पाकिस्तान के नाम होते जहन माँ एक आक्रोश पैदा हो जाते हैं। हालात यह है कि अपने विंध्य क्षेत्र के शहडोल संभाग के एक युवक राजू गुप्ता जो है पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद है, किंतु भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब वह जेल से रिहाई के वक्त आ गया है। 5 जनवरी का शहडोल के कलेक्टर का यह सूचना मिली कि लाहौर जेल में बंद राजू गुप्ता के रिहाई हो लगी और वह रिहाई के बाद जो है पंजाब के अटारी बॉर्डर में उनका एक कैंप में रखा गया है। अब शहडोल के जिला प्रशासन के द्वारा जो है राजू गुप्ता की वापसी के जो है योजना बनाई जा रही और परिजनन का जो है अटारी बॉर्डर पुलिस के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि शहडोल जिला के तहसील गोहपारू अंतर्गत ग्राम बरेला निवासी राजू उर्फ राजेंद्र गुप्ता उम्र 38 वर्ष करीब 15 साल तक पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद रहे के बाद जल्द अपने गांव लौटी हैं। कुछ दिन पहले लाहौर जेल से रिहा होने की खबर मिले के बाद राजू के परिजन उनका ले खातिर पुलिस के साथ अटारी बॉर्डर गए हैं। राजू अबे बॉर्डर स्थित रेंजर्स के अभिरक्षा में है। जानकारी के अनुसार अमृतसर से बॉर्डर के लाइजनिंग ऑफिसर से 5 जनवरी का कलेक्टर शहडोल का सूचना मिली और शहडोल बरेली निवासी राजू उर्फ रावेंद्र गुप्ता पिता संतोष उर्फ ब्रिजेश गुप्ता का पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया है। अब प्रपंचन को बताया दी कि राजू गुप्ता पाकिस्तान कैसे पहुंचा एक बारे में केहू को कुछ नहीं पता है। उनका माँ जो है रैमुन गुप्ता के द्वारा बतावागा कि वो काम के सिलसिला में सूरत खीतिर निकले रहे, वहां से वो लौट के नहीं आए। पड़ोसिन के बताए अनुसार वर्ष 2011-12 में एक चिट्ठी सरपंच का मिली रही, जोने माँ राजू के पाकिस्तान के जेल में हो के जानकारी मिली रही। वर्ष 2020 में एक बार फिर से पत्र मिला, यह पत्र जो है के बारे में परिजनन के द्वारा पुलिस का बतावागा एक बाद अब पुलिस जो है राजू का वापस ले आवे के पहल शुरू करे है। तो निश्चित तौर पर एक खुशखबरी है कि अपने देश की मिट्टी के जो कहा थी ना कीमत इतनी बड़ी होती कि आज 38 साल के राजू जो 15 साल से कैद रहे लाहौर जेल में अब अपने वतन के वापसी कह रहे हैं, अपने देश के वापसी कह रहे हैं। परिजन फूले नहीं समाल लगा ही और उनके खेतिर एक उत्सव से कम नहीं आए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।